नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के द्वितीय पाठ्य पुस्तक से संबंधित बालिका नामांकन अभिवृद्धि एवं सुझाव, आज के समय की स्थिति को देखते हुए बालिका नामांकन विद्यालयों में निरंतर गिर रहा है, उनके पीछे कई उत्तरदायी कारण हैं। उस हेतु समय समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं तथा कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही है, लेकिन समय के साथ साथ फिर भी इसमें जितना अपेक्षाकृत सुधार चाहते हैं उतना हमें दिखाई नहीं देता है। समय समय पर विभिन्न प्रकार की कमेटियां भी गठित की गई राज्य और केंद्र सरकार द्वारा, प्रबुद्ध जनों एवं बुद्धिजीवी व्यक्तियों द्वारा सुझाव भी आमंत्रित किए गए, लेकिन फिर भी आज तक बालिका शिक्षा नामांकन अभिवृद्धि में निरंतर कमी महसूस की जा रही है। बात करते हैं अपने देश के विभिन्न स्टेट्स के संदर्भ में, राजस्थान और राजस्थान के आसपास जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए राज्य हैं, उनमें अक्सर बालिका नामांकन विद्यालय के अंदर निरंतर घट रहा है। कहने का मतलब, बालकों की अपेक्षा बालिका की शिक्षा पर लोग कम जोर दे रहे हैं। पेरेंट्स स्वयं भी कई बार लड़के और लड़कियों में भेदभाव करने के कारण लड़कों को उस शिक्षा तथा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा या फिर उच्च प्राथमिक शिक्षा तक ही पढ़ाया जाता है। उसके पीछे कई कारण हैं। अशिक्षा यानी माता पिता का अशिक्षित होना, गरीबी यानी लोगों का अधिकांश गरीब होना तथा अधिकांश स्थानों पर जनसंख्या वृद्धि, कहने का मतलब परिवार बहुत बड़ा होने के कारण माता पिता सभी बालिकाओं को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, ये भी आज के समय का मूल कारण रहा है। उसके अलावा और भी ऐसे कारण हैं, जैसे विद्यालय का घर से बहुत दूर होना, जिसमें बालिकाएं अकेली विद्यालय नहीं जा सकती है, और अगर जाती भी है तो उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना होता है, जिस कारण से बच्ची के माता पिता ये चाहते हैं कि बच्ची को विद्यालय न भेजे और छोटी उम्र में जितनी शिक्षा प्राप्त की उसको ही पर्याप्त शिक्षा मान लेते हैं। उसके अलावा बालिका नामांकन अभिवृद्धि हेतु हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि एक शिक्षक और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी शिक्षकों का भी ये दायित्व है कि बालिका शिक्षा में अभिवृद्धि हेतु निरंतर हमें प्रयास करना होगा। इसके लिए हमें समाज तथा समाज में रहने वाले व्यक्तियों को भी जागरूक करना। देखिए, आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि बालिका नामांकन अभिवृद्धि हेतु अपने क्या सुझाव है, किस प्रकार अपन अपने सुझावों के माध्यम से बालिका शिक्षा में अभिवृद्धि कर सकते हैं, जिस कारण से बालिकाएं अधिक से अधिक विद्यालय की ओर अग्रसर हो सके, तथा माता पिता को किस अनुसार अपन जागरूक कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, बालिका शिक्षा नामांकन अभिवृद्धि हेतु सबसे पहला सुझाव जो विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षाविद द्वारा जो बात बताई गई उसमें है, जागरूकता में वृद्धि ला करके। देखिए, कोई भी चीज का प्रसार प्रसार करना हो या फिर उस चीज़ को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना हो, उसके लिए शिक्षा में जागरूकता लाना बहुत ही जरूरी है, यानी लोगों को जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। जागरूकता से यह तात्पर्य है कि रूढ़िवादी परंपराएं और समाज में चल रही विभिन्न प्रकार की बुराइयों की ओर ध्यान न दे करके, कम उम्र में बालिकाओं की शादी न करके तथा कच्ची उम्र में उनको विद्यालय न छोड़ाने के लिए अक्सर समाज के लोगों को, हमें शिक्षित युवा वर्ग को उन्हें जागरूक करना होगा। जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तब तक हम बदलाव की अपेक्षा समाज से नहीं कर सकते हैं। बालिकाओं को शिक्षा से अधिक जोड़ने के लिए उनके माता पिता को समय समय पर इस प्रकार मोटिवेशन अर्थात प्रोत्साहित करना होगा कि बालिका के पढ़ने से कितना फायदा होता है तथा एक घर में एक बालिका के पढ़ने से कितने परिवारों को फायदा मिलता है। अगर एक बालिका शिक्षित होकर ही किसी अच्छे पद पर कार्यरत होती है तो दोनों घरों का विकास होता है। हमें इस बात का ध्यान देना है कि
हमें हमेशा जागरूकता लानी होगी, शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रेरित करना होगा और उसके साथ साथ जन जीवन जहाँ भी लोग अनपढ़ अर्थात बिना जागरूकता के रह रहे हैं वहाँ तक घर घर जा कर के लोगों को शिक्षा हेतु प्रेरित करना होगा। उन्हें ये बताना होगा कि अपनी बेटी या बालिका जब जितनी पढ़ेगी उससे बहुत सारा फायदा होगा, इससे आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होगी तथा वही बालिका अपने बच्चों को भी शिक्षा बेहतर ढंग से देने का प्रयास कर सकेगी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा सभी का ये दायित्व बनता है कि हमें हर प्रकार से बालिका शिक्षा से लोगों को जोड़ने के लिए अथक प्रयास करने होंगे। समाज में कई लोग अशिक्षित हैं, उनके पास बैठ करके उन्हें समझा करके उन्हें शिक्षा के फायदे बता करके ये समझाना होगा कि शिक्षित व्यक्ति किस प्रकार बदलाव ला सकता है समाज में। इस संदर्भ में हमें सबसे पहले जागरूकता लानी होगी और जागरूकता के लिए कदम उठाने होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव जो विभिन्न कमेटियों द्वारा अक्सर दिया जाता है वह है कि जागरूकता के बाद में प्रौढ़ शिक्षा और समाज शिक्षा का प्रचार करके। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा और समाज शिक्षा का प्रचार करके, यहाँ दो शब्द आए हैं। प्रौढ़ शिक्षा द्वारा विभिन्न प्रकार के शिक्षा हेतु कार्यक्रम चलाए जाते थे, ढाणी ढाणी जा करके लोगों को शिक्षित किया जाता था। जो लोग अनपढ़ है, जिन्हें किसी प्रकार का ध्यान नहीं है पढ़ाई के बारे में, उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से जोड़ा जाता था और घर जा कर के पढ़े लिखे बालक और युवा वर्ग उन्हें किसी एक स्थान पर शाम के समय या जिस समय भी उनका फ्री समय होता है उस समय एकत्रित करके उन्हें पढ़ाया जाता था और पढ़ाने के बाद में उन्हें अक्षर ज्ञान और उसके साथ साथ सामान्य शिक्षा प्रदान की जाती थी ताकि वह लिखना पढ़ना इस अनुसार सीख जाए जिससे उनको किसी भी काम को करते समय कठिनाई ना हो। इसलिए गवर्नमेंट ने समय समय पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, साक्षरता मिशन जैसे कई कार्यक्रमों का चलाया था। उनके पीछे चलाने का उद्देश्य था कि ऐसे लोग जो गांवों में दूरस्थ ढाणियों में रहते हैं, शिक्षा से वंचित है तथा उनकी उम्र भी कुछ इस प्रकार हो गई है कि अभी वो विद्यालय भी नहीं जा सकते हैं, ऐसे लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें नाटक के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की कथा और कहानियों के माध्यम से तथा गीत संगीत के माध्यम से भी लोगों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाता था। उसके साथ साथ समाज शिक्षा का प्रचार करके, यानी समाज में पढ़े लिखे लोग एक स्थान पर जिस जगह कई बार अनपढ़ लोगों के बीच में एकत्रित होते हैं तो उनका भी दायित्व बनता है कि उन अनपढ़ लोगों को शिक्षा हेतु सामान्य जानकारी दे और उन्हें शिक्षित करे, ये उनका दायित्व बनता है। इसीलिए प्रौढ़ शिक्षा एवं समाज शिक्षा दोनों ही एक ही कार्य है कि प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं हेतु सहयोग देती थी, उसमें पुस्तकें और अन्य सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती थी। इसीलिए हमें प्रौढ़ शिक्षा और समाज शिक्षा के माध्यम से निरंतर प्रचार प्रसार करने के बाद ही बालिका शिक्षा के नामांकन में अभिवृद्धि की जा सकती है। प्रौढ़ शिक्षा और समाज शिक्षा में परस्पर बालिकाओं के साथ साथ युवा वर्ग के लोग भी जोड़े जाते हैं और इन लोगों को उद्देश्य ये होता है कि जो बालिकाएं अक्सर आज तक नहीं पढ़ पाई है या उनकी कम उम्र में शादी होने के कारण घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है, ऐसी बालिकाओं को प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है जिसके कारण बालिकाओं में जागरूकता आएगी और घर परिवार शिक्षा हेतु प्रेरित होगा। दूसरी बात, पत्राचार पाठ्यक्रम एवं दूरस्थ शिक्षा का प्रचार करके। देखिए, हमारे शिक्षाविदों ने कई सारी योजनाओं के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की है, उसमें विशेष रूप से योजनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें है पत्राचार पाठ्यक्रम, जो बालक अर्थात बालिकाएं घर से दूरी पर पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं या आने जाने के लिए उनके साधन नहीं है या वहाँ की कुछ परिस्थिति ऐसी है जहाँ विद्यालय बहुत ही दूर है, ऐसे स्थानों पर, दूरस्थ स्थानों पर पढ़ने लिखने की समस्या उत्पन्न होती है, ऐसे जगहों पर पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से
शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय और विद्यालयों द्वारा आज भी की जा रही है, जिसके माध्यम से घर बैठे बच्चों को अर्थात बालिकाओं महिलाओं को विभिन्न प्रकार के कोर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं तथा उनकी पाठ्य पुस्तकें घर तक पहुंचाई जाती है। वहां पर नाम मात्र के शुल्क द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार की डिग्रियों से संबंधित और कोर्सेज से संबंधित पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जाता है। इन पाठ्यक्रम को उपलब्ध करवाने के बाद में स्वयं बालिकाओं को जब पढ़ना होता है, स्वयं बालिका जब साक्षर है, पढ़ लिख करके वो उस शिक्षा भी प्राप्त कर सकती है। पत्रासार पाठ्यक्रम भारत और विभिन्न स्टेट में आज भी मान्य है, उसके द्वारा अपन हायर एजुकेशन की डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। पत्राचार पाठ्यक्रम का एक प्रमुख विशेषता ये भी रही है कि पत्राचार के माध्यम से व्यक्ति आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसे नियमित विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दूरस्थ स्थानों पर जहाँ विद्यालय नहीं है या हायर एजुकेशन के कॉलेज तथा महाविद्यालय नहीं है, ऐसे स्थानों पर व्यक्ति घर बैठ करके स्वयं पाठी के रूप में शिक्षा प्राप्त कर सकता है और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री भी दी जाती है। इसके लिए मैं विद्यार्थियों बताना चाहूँगा, आज के समय में कोटा विश्वविद्यालय और इग्नू इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश में विद्यालय महाविद्यालय कार्य कर रहे हैं जो शिक्षा से पिछड़े हुए क्षेत्र में बालक बालिकाएं अर्थात महिलाएं रह गई है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, वे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। अब दूसरी बात है बालिका नामांकन अभिवृद्धि हेतु सुझाव से संबंधित कि बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए दूर दराज के स्थानों में क्या प्रयास करने चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, दूरस्थ विद्यालयों जहाँ विद्यालयों का अभाव है, ऐसे स्थानों पर हमें पुस्तकालय और वाचनालय शहर की तरह ही गाँवों में स्थापित करने होंगे। जब गाँवों में वाचनालय और पुस्तकालय की स्थापना होगी तो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आप पुस्तकालय और वाचनालय खुलने के बाद वहाँ की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करने हेतु, पढ़ने हेतु, समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने हेतु अवश्य ही पुस्तकालय और वाचनालय में जाएगी। वहाँ जाने के बाद वो वहाँ के पत्र पत्रिकाओं को पढ़ेगी, जिससे उसको नॉलेज भी मिलेगा। तो अपन बात करते हैं पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना से संबंधित। देखिए शहरों के विभिन्न इलाकों में इस प्रकार की सुविधाएं अक्सर होती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है कि इस प्रकार की सुविधाएं नहीं होती है और सुविधा के अभाव के कारण अक्सर महिलाएं इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाती है। तो आधुनिक शिक्षा पद्धति और शिक्षाविदों से अनुरोध रहेगा कि जो सुझाव आप द्वारा दिए जा रहे हैं कि पुस्तकालय की स्थापना और वाचनालयों की स्थापना अब शहरों की तरह ही गाँव में भी की जाए, जिससे महिला जागरूकता अर्थात महिला शिक्षा हेतु जागरूकता लाने के लिए अच्छा प्रयास हो सके। इसको सहयोग करने के लिए शिक्षित युवा वर्ग का भी सहयोग जरूरी है तथा गांव के पढ़े लिखे युवा जब इस हेतु कार्य करेंगे तो अपने आप ही शिक्षित युवा धीरे धीरे से जुड़ना शुरू कर देंगे और बालिकाएं जो शिक्षा से वंचित है वो इस स्थान पर आकर के अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकेगी, जिससे उनकी शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और शिक्षा के स्तर में सुधार होने के बाद में जब शिक्षा का स्तर और उच्च ऊंचा हो जाएगा उस समय बालिका को शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और बालकों की तुलना में बालिकाएं हमेशा शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ही जिज्ञासु होती है, खास करके ग्रामीण परिवेश की बालिकाएं जो दूरस्थ शिक्षा से जुड़ी हुई है उनके लिए भी इस प्रकार के कार्य शुभदायी होते हैं। अगली बात विद्यार्थियों, अपन ने बात की जागरूकता लानी होगी, प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करना होगा, पत्राचार पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी इस प्रकार की योजनाएं चलानी होगी जिससे उनको जोड़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना करके भी हम महिलाओं को शिक्षा से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति करना, देखिए ये चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है। ग्रामीण इलाकों में अक्सर ऐसी सामाजिक कुरीतियां
आज भी है जिस कारण से लोग पुरानी परंपरा रूढ़िवादी अंधविश्वासों के ऊपर चलते हैं। इसीलिए इस प्रकार की रूढ़िवादी अंधविश्वास परंपराओं को समाप्त करना बहुत ही जरूरी है। रूढ़िवादी अंधविश्वास परंपरा तथा कुरीतियों से तात्पर्य ये है विद्यार्थियों कि छोटी उम्र में ही बच्चों को शिक्षा देने से वंचित कर दिया जाता है। इसीलिए कई प्रकार की ऐसी परंपराएं होती है, जैसे छोटी उम्र में बालिकाओं की शादी कर देना और कम उम्र में शादी होने के बाद में बालिकाएं जो शिक्षा प्राप्त करना चाहती है वो नहीं कर पाती है। और ऐसी स्थिति में अक्सर ये होता है कि कच्ची उम्र में शादी होने के कारण बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती है, और बालिकाएं शिक्षा से वंचित रहने के कारण समाज में बहुविवाह, बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा के कारण अधिकांश घरों में महिलाओं को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है। और इस कारण से यहाँ तो विद्यालय दूर होते हैं या विद्यालय दूर होते हैं तो भी ऐसी स्थिति होती है कि वहाँ गाँव में रहने करने का अभाव होता है, और साथ ही साथ अकेली महिला अर्थात बालिका पढ़ने के लिए दूरस्थ स्थान पर नहीं जा सकती है, क्योंकि माता पिता को भी उनके बारे में सोचना होता है। तो ऐसी स्थिति में समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको समाप्त करना होगा, कच्ची उम्र में बालिकाओं की शादी नहीं करनी होगी तथा साथ ही साथ बालिकाओं को यह भी देखना होगा कि उनको पुरुषों अर्थात बालकों के बराबर समाज में अधिकार प्रदान करने होंगे। पुरानी जो ऐसी अंधविश्वास परंपराएं चल रही है उनको तोड़ना होगा और शिक्षित युवा वर्ग को आगे आना होगा, उसके लिए उन्हें अथक प्रयास भी करने होंगे। अकेले किसी सुझाव या बालिका नामांकन अभिवृद्धि के बारे में आप जब बात करते हैं, जब तक कुरीतियां पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी तब तक बालिका शिक्षा में कोई सुधार नहीं कर सकते। अगली बात है लैंगिक भेदभाव में कमी। देखिए, लैंगिक भेदभाव में कमी ये भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। स्त्री पुरुषों में भेदभाव करना अर्थात बालक बालिकाओं में भेदभाव करना, सबसे पहले बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए लैंगिक भेदभाव में कमी लानी होगी। बालिकाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान करने होंगे, बालिकाओं को पुरुषों के बराबर शिक्षा प्रदान करनी होगी, साथ ही साथ उन्हें किसी प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में पुरुषों के बराबर अधिकार देने होंगे। जब तक समाज में अर्थात राज्य में लैंगिक भेदभाव समाप्त नहीं होंगे तब तक अपन किसी भी शैक्षिक अर्थात शिक्षा बालिका सुधार शिक्षा की गुंजाइश नहीं रख सकते हैं। इसीलिए मेरा सभी से यही कहना है कि बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लैंगिक भेदभाव में कमी लानी होगी। स्त्री पुरुष बालक बालिका में समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें समान दृष्टि से दोनों को ही देखना होगा। जब तक अपन लैंगिक भेदभाव करेंगे, एक दूसरे बालक बालिका को ज्यादा महत्व देंगे, तब तक अपन शिक्षित समाज में नहीं कहलाएंगे और बालिकाओं के विकास के लिए कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। समाज में कई ऐसी परंपराएं ऐसा बुराई पनप रही जिस कारण से बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए लोग अहितकर समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति। देखिए, सरकार द्वारा नामांकन अभिवृद्धि हेतु समय समय पर कई प्रयास किए जाते हैं, लेकिन बालिका नामांकन अभिवृद्धि में महिला शिक्षकों की नियुक्ति यानी विद्यालय और महाविद्यालय जहां भी हो वहां पर महिला शिक्षा में महिलाओं को बालिकाओं को प्रेरित करने के लिए अक्सर हमें वहाँ महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति करनी होगी, क्योंकि महिला महिला से प्रेरित होकर के सीखेगी। विद्यालय के अंदर अक्सर किसी प्रकार की समस्या होती है तो बालिका हमेशा अपने महिला शिक्षक से अपनी बात बेझिझक रख सकती है। इसीलिए सरकार द्वारा समय समय पर बालिका शिक्षा और नामांकन बढ़ाने हेतु कई विद्यालयों के अंदर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित देने के लिए महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की गई। महिला शिक्षिकाएं समय समय पर नामांकन अभिवृद्धि के लिए सहयोग भी कर रही है और दूरस्थ स्थानों पर अपना एक सुझाव है कि अधिकांश ऐसे दूरस्थ इलाके हैं वहां पर महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए अक्सर ऐसे विद्यालयों के अंदर संपूर्ण स्टाफ महिला लगा देना चाहिए, जिससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा, अधिक से अधिक गाँव की बालिकाएं शिक्षा से जुड़ पाएगी
और विद्यालय के अंदर शैक्षिक वातावरण कुछ इस प्रकार का होगा कि बालिका शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित रहेगी, उससे माता पिता भी बालिका को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित होंगे। समय समय पर नामांकन अभिवर्ती द्वारा सरकार द्वारा समय समय पर सुझाव मांगे जाते हैं और सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय शिक्षा कोष से संबंधित कुछ जो व्यय होता है उसी के अनुरूप भी किया जाता है। प्रयास निरंतर चल रहा है, लेकिन साथ मिलकर के सभी को कोशिश करनी होगी।